राजस्थान के जिला झुंझुनू के गुडा गोडड़ी में कैफे पर फायरिंग करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तकरीबन एक महीने पहले गुडा गोडड़ी में कस्बे के लोहारो चौक पर स्थित कैफे पर तोड़फोड़ हवाई फायरिंग के तीसरे आरोपी सोलाना निवासी राकेश झाझड़िया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। SHO हरदयाल सिंह ने बताया कि आरोपी राकेश को चिड़ावा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के चिड़ावा थाने में मारपीट के सात मामले दर्ज हैं। इससे पहले सुल्ताना निवासी सलीम चौपदार व कैरेली का बास मोहित सूरा को गिरफ्तार किया जा चुका है। 29 मई को शाम 6 बजे लोहारो के चौक पर स्थित कैफे में कुछ बदमाशों ने तोड़फोड़ की एवं जूस वाले सुनील के साथ मारपीट भी की। उसके बाद कस्बे में हवाई फायरिंग करते हुए बोलेरो गाड़ी में बैठकर भाग गए थे। दिनांक 29/5/2019 को श्री सुनील कुमार कस्बा गुडा गोडजी निवासी द्वारा पुलिस थाना गुडा में FIR दर्ज कराई गई कि जब मैं दुकान पर बैठा था तो 4-5 बदमाशान आए और आते ही मेरे देसी कट्टा के बट से सिर पर वार किया तथा फायरिंग कर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की और हवाई फायर करते हुए भागकर चले गए, जिस पर श्री गौरव यादव IPS पुलिस अधीक्षक झुंझुनू द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए जानलेवा हमले के मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु धरपकड़ का अभियान चलाया गया, जिसमें आज श्री राकेश झाझड़िया निवासी झुंझुनू को आज चिड़ावा से गिरफ्तार किया गया है, जो नेपाल भागने की तैयारी में था। मुलजिम द्वारा पहले भी कई प्रकार के अपराध किए गए हैं, मुलजिम से अनुसंधान किया जा रहा है।